हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट ई टाइप की क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्व कराई थी, ये वो प्रॉब्लम है। रिवीजन के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। जो हमने एक प्लान लिया था जिसमें हमने यूनिट्स ली थी मीटर, और इसमें हमने यूनिट ले MM, और सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ फ्लोर 6 है, ईच फ्लोर 3 मीटर, ग्राउंड फ्लोर 2.9, बीम की प्रॉपर्टी गिवन है, कॉलम की प्रॉपर्टी गिवन है। तो सबसे पहले हमें जानने की ये जानना है कि जो प्लान होता है ई टाइप में, वो एक्स वाई डायरेक्शन में होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स और वाई। जेड में होती है फ्लोर हाइट, ठीक है। तो ये प्लान है, तो हमें एक्स ग्रिड डिफाइन करनी है और हमें वाई ग्रिड डिफाइन करनी है। जेड हमारा स्टोरी हाइट के लिए हो गया। तो चेक करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितनी ग्रिड लाइंस होंगी, उनकी क्या स्पेसिंग होगी। तो फर्स्ट ग्रिड लाइन जो एक्स में होगी, उसकी होगी स्पेसिंग 0, सेकेंड 5.5, थर्ड 6 मीटर एंड फोर्थ 5 मीटर, ठीक है। इसी तरह हम अगर वाई में चेक करें, तो वाई में देखेंगे आप ग्रिड लाइन जो फर्स्ट होगी वो क्या होगी आपकी, ये जो मैंने अभी खींची है फर्स्ट नहीं होगी, ये वाली फर्स्ट होगी। ये फर्स्ट ग्रिड लाइन होगी 0 पे, सेकंड 1.5 मीटर, उसके बाद जो ग्रिड लाइन है वो 2.5 की स्पेसिंग को ऐड कर देंगे तो 4 मीटर, और उसके बाद हम यहाँ पे जो स्पेसिंग है 4 मीटर है, तो यहाँ ऐसा हो जाएगी इसकी स्पेसिंग टोटल 8। कोऑर्डिनेट डिस्टेंस अगर कहें तो ये ऐड होता जाता है, तो 5 + 8 ये हो जाएगा 13 मीटर। तो ये ग्रिड है, हमें इस तरह से डिफाइन करना है। इसी तरह जो एक्स में इसकी भी वैल्यूज लिख लेते हैं, 0, 5.5, 11.5 एंड 16.5। चलिए स्टार्ट करते हैं ई टाइप में। न्यू मॉडल करना है आपको, वही सब SI यूनिट्स और इंडियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। ग्रेड हमें कस्टम लेनी है, जिसमें हमारा फर्स्ट स्पेसिंग ये सब होगी। एक बार चेक कर लेते हैं ऑटो कैड की ड्राइंग में, ठीक है। 2.54, ये इसको वैल्यू को इसमें इनपुट कर देते हैं। इसी तरह से वाई को कर लेते हैं। फर्स्ट 0 होता है, फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसी कोऑर्डिनेट के एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0 होता है। उसके बाद हमारी स्पेसिंग बढ़ती जाती है। इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, जिसकी होगी लेंथ 13। ग्रिड का कलर चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए आईडीज के जो बबल है ओवरलैप हो रहे हैं, तो इनका डायमीटर यहाँ से बबल साइज कम कर सकते हैं। ओके कर दीजिए। फ्लोर 6 है, टिपिकल हाइट 3 है, और ग्राउंड फ्लोर 2.9 है। यहाँ से हमने चेंज कर लिया है। ये जेड डायरेक्शन फ्लोर हाइट होती है हमारी। तो हमारी एक ग्रिड आ चुकी है 3D। अब सबसे पहला स्टेप ग्रिड बनाने के बाद, आपको जो गिवन मटेरियल है वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है। जो है हमारे पास M30 और M25। M30 हम बीम और कॉलम को देंगे, और स्लैब के लिए हम M25 देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप आफ्टर ग्रिड, मटेरियल डिफाइन करना। आप सभी जानते हैं किस तरह से मटेरियल डिफाइन करते हैं। M30 और M25 हमें मटेरियल डिफाइन करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा मटेरियल डिफाइन करने के बाद? क्रॉस सेक्शन, जो बीम की प्रॉपर्टी है, जो कॉलम की प्रॉपर्टी है। तो ऐड न्यू गया हमने डिफाइन में जाके सेक्शन प्रॉपर्टी में, यहाँ पे बीम, और उसको उसका जो बीम को M30 हमने कहा है वो दे दिया, और उसका साइज जो बीम का गिवन है वो डाल दिया हमने इसमें। इसी तरह से कॉलम के लिए डाल देते हैं। सिक्स हंड्रेड बाय 600। ओके, बीम डिसाइड डिफाइन हो चुका है, कॉलम। अब इनको ड्रॉ करना है, ग्रिड के ऊपर ड्रॉ करना है अकॉर्डिंग टू प्लान।
जो हमने प्लान दिया है उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग नज़र आनी चाहिए। ग्रिड उसके जैसी नज़र नहीं आती क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा लाइंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले जो बीम ड्रॉ करने के लिए बीम पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टी में बीम चेक चेंज किया और उसके बाद बीम बना दिया हमने। इस तरह से ड्रैग करके भी आप दे सकते हैं प्रॉपर्टी। कुछ मुझे गलती नज़र आ रही है इसकी ग्रिड में, मैंने शायद ग्रिड में कुछ मैं भूल गया हूँ। अगर चेक करें, ओके, 1.5 के बाद मुझे 4 मीटर डालना था और मैंने डाल दिया है 2.5। तो अब ग्रिड में मैंने स्पेसिंग में गलती मिस्टेक कर दी है, तो उसको कैसे ठीक करें? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी ग्रिड है, 3D हो या फिर आपका प्लान हो या एलिवेशन हो, व्यू कोई भी व्यू हो, वहाँ पे आपको जाके राइट क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या गलती की है मैंने। ये गलती की है मैंने, यहाँ पे 4 मीटर होना चाहिए था। ठीक है, एक बार और जूम करके बताता हूँ क्या हुआ है। जब मैंने स्पेसिंग डाली 0 के बाद 1.5, और उसके 1.5 के बाद मुझे डालना था 4, मैंने डाला 2.5, यानी कि 1 मीटर का ही इंक्रीमेंट किया मैंने। तो ये हमारी मिस्टेक थी। तो अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके मॉडिफाई ग्रेड, और यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, इसे ओके कर देता हूँ। अब ग्रेड डिफाइन हो चुकी है, अब हम इसको बना देते हैं। सेम हमें कॉलम पे क्लिक करना है, और फिर एक चीज़ और हमने यहाँ पे देखिए, केवल टॉप पे बीम्स ड्रॉ कर पाए हैं हम, क्योंकि हमने एक कॉर्नर पे जो हमारा ऑप्शंस है, वन स्टोरेज, उसको चेंज नहीं किया ऑल स्टोरेज में। ऑल स्टोरेज से क्या होता है कि हमारा नीचे तक बीम्स जाते हैं, क्योंकि पहले से टॉप पे बीम बने हुए थे, फिर मैंने उसी के ऊपर बना दिए, तो टॉप पर टेरेस पर जो बीम्स हैं वो डुप्लीकेट बन चुके हैं, दो दो बन चुके हैं। इससे एक एरर आएगा, आप देखते रहिए आगे कैसे वो एरर आएगा, उसको कैसे रिमूव करते हैं। एरर आना सीखने के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें एरर को सॉल्व करना आ जाता है। तो ये हमारा बन चुका है, अब हम क्या करेंगे, स्लैब डिफाइन करेंगे, स्लैब के बाद हम फिक्स सपोर्ट डिफाइन करेंगे, और फिक्स सपोर्ट के बाद हम स्लैब क्या कहते हैं, लोड डिफाइन करेंगे, और लोड के बाद हम पता करेंगे डुप्लीकेट का चक्कर क्या है। तो स्लैब डिफाइन की हमने, स्लैब 150 mm थिकनेस एज्यूम की है, M25 और 150 mm, और ये ले लिया टाइप मेम्ब्रेन्स, जो मैंने बताया था कि पूरा लोड ट्रांसफ़र कर देती है बीम कॉलम पे। ये स्लैब का है रेड डॉट वाला, यहाँ पे स्लैब हमने सेलेक्ट की और ये क्लिक की। ये रेड डॉट वाला क्या होता है, ग्रिड के अकॉर्डिंग स्लैब बनाता है, सॉरी। और ऊपर वाला क्या है, जॉइंट टू जॉइंट। तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे जॉइंट टू जॉइंट ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें जॉइंट टू जॉइंट स्लैब बना दिया। देखिए बेस पे भी स्लैब बन चुकी है, इसे डिलीट करना है, और हमें सपोर्ट भी लगानी है। तो सबसे पहले हमें वन स्टोरे करना है, प्लान में जाके हमें जाना है बेस, ओके, और सब कुछ सेलेक्ट करके डिलीट, और यहाँ पे सारे जॉइंट सेलेक्ट करके असाइन कर देना है हमें रिस्ट्रेन फिक्स सपोर्ट। सपोर्ट लग चुकी है, अब हम लोड लगाएंगे, जैसे कि डेड लोड में सेल्फ वेट तो इसमें पहले से डिफ़ॉल्ट लग जाता है, तो सेकंड लोड हम एज्यूम कर रहे हैं आज की प्रॉब्लम में केवल वॉल लोड, यानी कि हर बीम के ऊपर वॉल है, और उस वॉल का जो पैटर्न है वो UDL है। तो हम वॉल का लोड मैनुअली निकाल के उतने मैग्नीट्यूड का UDL हम हर बीम पे लगा देंगे, केवल टेरेस को छोड़ के, टेरेस पे नहीं है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं। इस तरह से देखिए एक वॉल, हर बीम पे वॉल बनी हुई है। ठीक है, तो वॉल का जो पैटर्न है वो UDL है, लोड जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बीम के ऊपर। अब ये लोड कैसे निकालेंगे, तो वॉल लोड बराबर होता है थिकनेस, जो वॉल की थिकनेस है 9 इंची मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल हाइट। इससे हम वॉल का लोड निकाल लेते हैं, अभी एज्यूम कर लेते हैं 14 kN/m। इस लोड को हमें लगाना है, इस लोड को लगाने के लिए हमें सबसे पहले टेरेस के बीम को छोड़ के सारे नीचे के बीम सेलेक्ट करने होंगे। तो सबसे पहले जो कॉलम है और स्लैब है जिनकी ज़रूरत नहीं है अभी हमें, उनको हाइड कर देते हैं डिस्प्ले ऑप्शन में जाके, और हम क्या करते हैं सेलेक्ट में जाके ऑब्जेक्ट टाइप में जाके हम बीम सारे सेलेक्ट कर लेते हैं, और टॉप के जो बीम है उनको डीसेलेक्ट कर देते हैं क्लिक करके मैनुअली माउस से। सारे नहीं करूँगा मैं, क्यों नहीं करूँगा उसका रीज़न है,
सारे में जो हैं जो सारे टॉप के बीम्स हैं उन पे सभी पे लोड नहीं लगना है टॉप के बीम पर मैं अभी लगने दूंगा क्योंकि मुझे कुछ और भी बताना था इसमें जो मैं शायद क्लास में नहीं बता पाया हूँ। कुछ बीम्स मैंने अनसेलेक्ट कर दिए हैं टॉप के, मैं देख रहा हूँ कि कुछ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अनसेलेक्ट हो नहीं रही, हो नहीं रही है ना, क्यों नहीं हो रही? अभी पता चल जाएगा। अब मैंने फ्रेम लोड सेलेक्ट किया, डिस्ट्रीब्यूट 14 हमने एज्यूम किया है, 14 यहाँ डाला, ओके करा, लोड लग गया। टॉप के पे भी कुछ बीम्स पर लोड लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले सब कुछ हाइड कर देना है, केवल टॉप के बीम रखने हैं। तो हमने क्या किया, स्टोरे पे गए सिलेक्ट में, टॉप का सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, शो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, जो सिलेक्ट है वो दिखाई दे, इसका मतलब है। इस पर क्लिक किया, ये देखिए अब ये जो जॉइंट लोड्स लगे हुए इनको हटाना है हमें। तो हमें क्या करना है, जॉइंट लोड जो सॉरी जो UDL है मेंबर फ्रेम लोड उसको एक्टिवेट करना है, असाइन फ्रेम लोड डिस्ट्रीब्यूट लोड, यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करना है और बीम को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। देखिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, हट ही नहीं रहा, चलो यहाँ का हटा के देखते हैं, ये हट गया, यहाँ पे आप हटा के देखते हैं, नहीं हटा, ये हटा के देखते हैं, नहीं हटा, ये हटा के देखते हैं, नहीं हटा, दोबारा हटा के देखते हैं, नहीं हटा, ये हटा के देखते हैं, नहीं हटा, और ये हटा के देखें, ये भी नहीं हटा, ये हटा के देखते हैं, ये हट गया, ये क्या हो रहा है? कुछ हट रहे हैं कुछ नहीं हट रहे, यहाँ ही ये बताना चाहता था क्योंकि डुप्लीकेट बीम बन गए हैं इस वजह से लोड हट नहीं रहे हैं। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा अपने मॉडल को कि क्या इसमें सच में डुप्लीकेट मेंबर्स हैं या कोई और प्रॉब्लम है। ये शायद मैं क्लास में नहीं बता पाया आपको, कल मैं बता दूंगा आपको ये चीज़, लेकिन एक बार वीडियो में भी देख लेते हैं। तो ये तीन बीम ऐसे हैं जिन पे लोड नहीं हट पा रहा है। तो सबसे पहले अपने मॉडल को चेक करते हैं, चेक मॉडल सभी पे टिक कर देंगे, सारे एरर को चेक करेगा, रिमूव नहीं करेगा, केवल चेक करके हमें वार्निंग दे देगा। ओके किया, देखिए यहाँ पे एक विंडो खुल गई और इसमें दिखा रहा है ये ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, यानी कि ये सारे ओवरलैप हो रहे हैं, एक के ऊपर एक बीम बन रहा है। तो हमें करना क्या है, हमने इस पर क्लिक किया और कीबोर्ड के डिलीट बटन से डिलीट कर दिया। अब सिंगल हैं, अब इन पर लोड हटा के देखते हैं तो इजिली लोड हट जाएगा, ये देखिए अब लोड हट रहा है हमारा। हट चुका है, ऑल स्ट्रक्चर को ले आते हैं यहाँ पे, शो ऑल ऑब्जेक्ट्स, लोड लग चुके हैं। अब एनालाइज कर देते हैं, टाइटल डाल देते हैं फ्रेम टू, एनालाइज होने के बाद जो आपको शेप दिखाई देती है डिफॉर्मेशन दिखाई देता है, और आप बेंडिंग मोमेंट चेक कर सकते हैं यहाँ से, और आप जो आपकी स्लैब है उनको एक्टिवेट कर लीजिए, कॉलम और स्लैब को, और उनके ऊपर भी स्ट्रेसेस चेक कर सकते हैं यहाँ पे स्लैब स्ट्रेस में, ये रहा कलर के अकॉर्डिंग इसमें स्ट्रेसेस है, और आप इसमें डिफॉर्मेशन भी देख सकते हैं और इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो इसको प्लीज़ रिवाइज़ कर लीजिएगा। और जो अपसेंट थे, सुमेधा शायद अपसेंट थी, तो वो और सुमेधा और कौन अपसेंट था, शायद और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो इसको रिवाइज़ कर लें, ठीक है? और कुछ अगर ना समझ में आए तो लंच में आके मेरे से पूछ लें, कल वैसे बहुत बिज़ी रहूँगा मैं, तो इसीलिए आप लंच में ना आएँ, और शाम को कल 4:30 बजे फिर क्लास होगी। थैंक यू।